कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बाड़मेर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए आधुनिक ICU बनाया गया है, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। जिला अस्पताल में बनाए गए ICU में कुल 20 बेड लगाए गए हैं। आधुनिक और रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए इस ICU में मरीजों की चिकित्सा के लिए तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं। जिला अस्पताल में बनाया गया ICU कई मायनों में बेहतरीन है। यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें वेंटिलेटर से एक्सरे तक बिल्कुल नई तकनीक से अपडेट हैं। कुल 20 बेड यहाँ लगे हुए हैं, सभी पर ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं। आपको बता दें, इस ICU को बनवाने के लिए राज्य सरकार से करीब 5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करवाया गया है, जिससे निर्मित आधुनिक ICU अब बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने चिकित्सकों की टीम के साथ नव निर्मित आधुनिक सुविधाएं युक्त ICU का निरीक्षण किया और इसे देखकर संतोष जाहिर किया। ICU जो कंप्लीट, एक तो कंप्लीट हो चुका, दूसरा अभी कंप्लीट होने जा रहा है, उसका देखा क्या कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि उसका भी उद्घाटन लोकार्पण कराने के लिए वो हम विचार विमर्श कर रहे थे, कभी इसी हिसाब से उसका कराए या पहले कराए उसकी चर्चा थी। दूसरा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, उस अस्पताल के बारे में जो 191 करोड़ सेंक्शन हो चुके थे, उसकी टेंडर प्रोसेस में थे। अभी मैं जस्ट वहीं जयपुर ही बात कर रहा था कि एक दो दिन में उसके टेंडर लग जाएंगे, 30 दिन की उसकी अवधि होगी। टेंडर लगते ही, ये खुलते ही मुख्यमंत्री जी को बाड़मेर लाकर इसका शिलान्यास और दो ओवर ब्रिज है, एक अंडर ब्रिज है, 2 ICU है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग है और ऑक्सीजन प्लांट है, इन सबका माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्री, चिकित्सा मंत्री, इनको लाकर इनका उद्घाटन कराएंगे और शानदार बाड़मेर में कोविड की 1.5-2 साल मुख्यमंत्री आ भी नहीं पाए थे, आकर एक बड़ी आम सभा भी होगी और इन कार्यों का लोकार्पण होगा। बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की, जो 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी होने जा रही है, क्योंकि उसका कार्य शुरू होने जा रहा है, टेंडर लग रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल साहब और PMO साहब से। और सेकेंडली, जो मरीज ज़्यादा आ रहे अभी डेंगू केयर, मलेरिया, ये मच्छर ज़्यादा फैलने से, उसके लिए हम चाह रहे थे कि टेस्टिंग में देरी हो रही है, ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इस कारण है या और कोई कमी है, तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि मरीज को बाहर रेफर हम कम से कम कर सकें करें और यहाँ उसको बेहतर इलाज कैसे दे सकें, उसके लिए हम टेस्ट समय पर टेस्टिंग हो जाए, रिपोर्ट मिल जाए, उसका इलाज यही हो, यही चर्चा में। आपको बता दें, आगामी 24 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करने की योजना बनाई जा रही है। बाड़मेर की करीब 20 लाख की आबादी को इस ICU से बेहद ही मदद मिलने वाली है। आपको बता दें, चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण बाड़मेर की जनता गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र के निजी चिकित्सालयों में महंगे इलाज करवाने के लिए जाने को मजबूर थी, लेकिन अब इस ICU के बनने से यहां के लोगों को भी आधुनिक इलाज मिल सकेगा। पंजाब केसरी TV के लिए बाड़मेर से ध्रुव सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।